बहुत श्रद्धालु आए हैं भाई, बहुत श्रद्धालु, बहुत भीड़ है। जय गंगा मैया दोस्तों, ये देखो गंगा माई कल 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 बहता हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, शुरुआत करता हूं मैं अपने दूसरे ब्लॉग की, जो कि 19 मार्च 2023 है। आज शनिश्चरी अमावस्या है, तो आज हमारा भंडारा, जैसे मैंने कल नेक्स्ट इससे पहले वाले ब्लॉग में आपको बताया था, ये हमारा हरिद्वार का दूसरा ब्लॉग शुरू हो चुका है। तो अभी हमारे भंडारे की तैयारी है, हमारे हलवाई हैं। क्या क्या तैयारी होगी भाई? तो सब्जी दोनों तैयार हो ली, हलवा तैयार है, आटा लगा हुआ है। ये देख सकते हो आप, पीछे हमारा भंडारे की तैयारी चल रही है, सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है, आटा लग गया है और वो भाई लगे हुए फिरते की सब्जी बन गई है, हलवा इसके बाद बनेगा। तो साथियों, अभी मैं जस्ट सोके उठा था, थोड़ा फ्रेश व्रेश हुआ हूँ, अभी जाऊँगा गंगा माँ में नहाने, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, जय गंगा मैया दोस्तों, ये देखो गंगा माई कल 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 बहता हुआ, और ये श्रद्धालु स्नान करने के लिए आए हैं। जैसे मैंने पहले बताया, गंगा स्नान पे बहुत श्रद्धालु आए हैं दोस्तों, ये देखो चारों तरफ आपको श्रद्धालु श्रद्धालु देखने को मिलेंगे। जय गंगा माई। लो भाई दोस्तों, गंगा स्नान हो गया अपना, काफ़ी दिल खुश हो गया गंगा माँ के दर्शन करके, सुबह सुबह स्नान करके अमावस्या वाले दिन। आप चलते हैं अपने भंडारे की तरफ, अमन की भी तैयारी हो रखी है, पंडित जी का फोन भी आ गया, तो अपना अमन भी बैठेंगे और फिर अपना भंडारा शुरू करेंगे। बाकी श्रद्धालुओं की बात करूँ तो दोस्तों बहुत आए हैं, बहुत ही ज़्यादा हजारों की तादाद है, बिल्कुल काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने भंडारे की तरफ, मिलते हैं आपसे ब्लॉग में वहीं पे आगे। दोस्तों अपना हमन शुरू हो गया है सुबह के 8 बजे, अभी शुरू हुआ, पंडित जी आ गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैठे हैं और भी बाकी आने बाकी अभी बैठने के लिए, और गंगा किनारे कर रहे हैं हम भी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं हमन यहाँ पे, सभी गंगा किनारे कर रहे थे, गंगा मार रही बह रही है, हम भी यहीं पे करा रहे हैं। जैसे ही हमन अपना पूरा होता पूजा पाठ, फिर अपना भंडारा शुरू कर देंगे हम। तो व्लॉग में मिलता हूँ मैं आपसे आगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, गंगा मैया की जय।
तो दोस्तों अपनी अमन पूजा हो चुकी है, अब अपना भंडारा चालू करेंगे, चलते हैं भंडारे की तरफ। भोग भी लगा दिया भंडारे का गंगा माई में, आपने देख लिया व्लॉग में, अब करते हैं हम अपना भंडारा शुरू। जय भोले की। लो भाई दोस्तों अपना भंडारा हो चुका है शुरू, ये देखो आ चुके हैं सारे भक्त भंडारा प्रसाद ग्रहण करने के लिए। पीछे अपना टेंट वेंट भी लगा रहे हैं भाई, थोड़ा गर्मी हो गई है, धूप बढ़ रही है, तो ये अपना आ गए हैं श्रद्धालु भंडारा प्रसाद ग्रहण करने। साथियों अपना भंडारा जैसे कि चालू है, मैंने बताया था महावीर भाई आ गए हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। महावीर भाई बोलो क्या कहोगे भाई साहब, बोली कृपा हमारे ऊपर तो चालू कुछ है, दो घंटे से चालू है भंडारा भी, और शाम तक चालू रखोगे भोलेनाथ की कृपया है। चलो चलो भाई, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं महावीर भाई, करना चाहिए सभी को। हम तो ये चाहते अपने सनातन धर्म के जितने भी भाई है सभी को आगे से आगे बढ़ के साथ देना चाहिए ऐसी चीजों में। साथियों हमने ना अपना भंडारा दो जगह लगा दिया है, एक अब दूसरी जगह और लगाया है, भीमगोडे की तरफ जो रास्ता जाता है ना वहाँ लगा दिया। पहला तो मैंने आपको दिखा दिया था, दूसरा भी दिखा रहा हूँ, इसलिए लगा दिया ताकि अपना प्रसाद अच्छी तरीके से भाई श्रद्धालुओं के पास पहुँच सके अच्छे समय से। दोपहर का समय हो रहा है अभी, करीबन 1 बजे का टाइम हो चुका है, ताकि अच्छे लोगों तक पहुँच सके और प्रसाद मिल सके और ग्रहण कर सके वो सभी। तो ये है भीमगोडे वाला रास्ता आगे की तरफ जाता है, और ये अपने दूसरी जगह है जहाँ पे छोटे भाई है सारे दे रहे हैं प्रसाद। ये महावीर भाई भी खड़े हुए हैं यहीं पे, सागर है और एक भाई और है, मेन रोड पे लगा रखा है ये हमने जो भीमगोडे की तरफ जाता है। ये हमारी फ्लैक्स भी लगी हुई है यहाँ पे, तो भाई कोशिश है जारी, जरूरतमंद और अपने सभी भक्तों के पास पहुँच सके प्रसाद। दोपहर का समय, भोजन का समय होता है जो सभी का, तो ज्यादा से ज्यादा लोग खाए प्रसाद को, अच्छा लगे हमें भी। फोन की बैटरी भी होगी भाई खत्म, एक जगह बात करके आए हैं महावीर भाई, चार्ज करता है यहाँ पे कोई, देखते हैं चार्ज कराते हैं अपना फोन, 20 रुपये पर फोन बता रहे हैं, जब तक फुल ना हो जाए 20 रुपये में फुल चार्ज करके देगा बंदा। अच्छा बिजनेस चाहिए भाई, देखते हैं कैसा क्या है, जा रहा हूँ वहीं पे मैं अभी। दोपहर के भाई 1:30 बज चुका है, अपना भंडारा भी चालू है, बढ़िया भंडारा चल रहा है अभी, खा रहे हैं भाई सभी। धूप बहुत हो गया पर गर्मी बहुत आज, पर फिर भी सही है भाई, चल रहा अपना भंडारा। तो ये देखो साथियों कितनी बस आ रखी हैं, सारी उत्तर प्रदेश राजस्थान की बस हैं ये, इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं आज अमावस्या पे स्नान करने के लिए। बस पीछे तक ही बस ही बस है इसमें, भरी पड़ी है बस, ये देख लो सारी बस ही बस है। तो दोस्तों हमारा भंडारा अंतिम चरम पे आ चुका है, थोड़ा बहुत सामान बचा है वो समाप्ति की तरफ है, पीछे हलवाई वगैरह जा रहे हैं बेचारे सारे नहाने, अच्छे से भंडारा निपट गया है और अपना उसके बाद लास्ट में अब मैं आपसे व्लॉग में मिलूंगा, थोड़ा बहुत सामान बचा है जैसे कि आप देख रहे हो, श्रद्धालु लोग अब भी हैं खाने के लिए आ रहे हैं। तो भंडारा तो भाई बहुत अच्छा से हमारा चला और चलना भी चाहिए, अमावस्या थी ना आज। तो दोस्तों जाते जाते एक बार और गंगा में स्नान करने के लिए आ गए हम, यहाँ पे काफ़ी आश्रम है सटे हुए इससे, जैसे श्री जयराम आश्रम हरिद्वार, पंजाब श्री क्षेत्र हरिद्वार, इस तरीके के आश्रम है बहुत सारे, जहाँ हमने अपनी गाड़ी वगैरह और कैंटर वगैरह पार्किंग में लगा रखे हैं ना, अभी भंडारा का रखा है, तो उसी के पास है ये गंगा, यहाँ से ही बहती है। तो हम अभी यहीं नहाने के लिए आए हैं, सुबह तो मर की पैड़ी पे गए थे नहाने, तो अभी थोड़ी जल्दी थी यहाँ पे आगे नहा के अपना चलते हैं वापस भंडारा स्थल पे।
साथियों, जिस चीज के लिए हम अपने गांव गड्डी कुंडली और प्याऊ मनियारी से निकले थे, एक अच्छा भंडारा करने के लिए, आज मावस का दिन था जो 19 मई 2023 का था। अभी घड़ी में जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं 6:15 हुए हैं और हमने सुबह 9 बजे अपना भंडारा शुरू किया था, जो हमारा बहुत अच्छे तरीके से सम्पन्न हो गया। बहुत ही श्रद्धालुओं को हमने भंडारा अपना प्रसाद दिया, सभी ने ग्रहण किया, सभी बिल्कुल हष्ट-पुष्ट तरीके से हमारा भंडारा पूरा हो गया। साथ ही हमारे साथ आचार्य पंडित जी थे, जो कुछ कहना चाहेंगे अपने शब्दों में हमारे सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए। पंडित जी कुछ अपने विचार रखो। जैसा कि आज बड़ा ही सुंदर पर्व है, बड़ा ही महत्व का पर्व है, एक तो बट सावित्री व्रत भी है और शनिचरी अमावस्या भी है, क्योंकि आज शनि जयंती भी है और अमावस्या है। ऐसे शुभ कार्य करने के लिए हमें कभी कभी शुभ अवसर मिलते हैं और कहा जाता है कि भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन, हमारे भाग्य जब उदय होंगे तभी हमें ऐसे सत्कर्म और शुभ कर्म करने का शुभ अवसर मिलेगा। और जैसा कि हमारे बड़े भाई ने, छोटे भाई ने यह भंडारा लगाया, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप सबको मिलकर करके ऐसे ही सब मिलकर करके भंडारे लगाना चाहिए, धर्म सत्कर्म को हमारे आगे बढ़ाना चाहिए। और हमने जिस उम्मीद से यह कार्य कराया था और उससे बढ़ चढ़ कर करके हरी इच्छा तक यह भंडारा हमारा चला, और सुबह से और हरी इच्छा तक यह चला है, और इसी प्रकार से भंडारे के पीछे हमारे समस्त परिवार, गांव का जो था, सभी का पूरा सहयोग था, तन मन धन हर तरीके से। तो आज का वो लोग यहीं पे खत्म करता हूँ मैं अपना, अपने हर हर महादेव नारे के, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय।